हम लोग सिद्धि मंत्र को पढ़ रहे हैं, यानी सफलता का मंत्र। सफलता हर किसी के लिए जरूरी है और सफलता का कोई शॉर्टकट यानी कम समय में बिना कुछ किए हम सफलता प्राप्त करने ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे रामदास और धर्मदास दोनों में रामदास क्या करता है, सफलता के लिए परिश्रम करता है और सुबह क्या करता है, सूर्योदय से पहले उठ जाता है और क्या करता है, अपने दैनिक कार्यों को वो करता है। फिर क्या करता है, ईश्वर को भी स्मरण करता है। स्कूल तुम लोग आते हो सुबह, प्रार्थना होती है ना, क्या प्रार्थना करते हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। क्या मांगते हैं, परमात्मा से कहते हैं कि दया करके मुझे क्या दीजिए, भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए। उसी तरह से रामदास भी ईश्वर का स्मरण करता है कि हे ईश्वर, यह जो हमारा सूर्योदय के बाद दिन शुरू हो रहा है वह पूरा दिन क्या है, सफलता पूर्वक बीत जाए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए हम जो पिछला दिन बीता और आगे का सुबह देखने को मिलता है इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है, अपने दैनिक कार्यों को करता है, अपने पशुओं की सेवा करता है और अपने खेत पर स्वयं परिश्रम भी करता है और निरीक्षण भी करता है। तो परिश्रम और निरीक्षण से क्या होता है, पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है। और उसी गांव में दूसरा कौन है, धर्मदास। वह क्या है, पिता के धन से धनवान, कोई मेहनत को नहीं करता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका धन जो है पैतृक धन क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। कैसे समाप्त होता जा रहा है, करेगा नहीं, खेत में पर्याप्त अन्न कौन कहे, बीज मात्र के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो बीज मात्र के लिए अन्न नहीं उत्पन्न होगा तो क्या होगा, खेती नहीं होगी, खाने के लिए भी अन्न क्या होगा, खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब धीरे धीरे पैतृक धन उसका क्या होने लगा, समाप्त होने लगा, तो वह क्या हो गया, दुखी हो गया। और रामदास जब उसको दुखी देखता है तो धर्मदास से पूछता है कि किसी रोग से ग्रस्त हो गए जो ऐसे दिखाई दे रहे हो, तो कहता नहीं, मेरा जो पैतृक धन है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो रामदास उसे एक उपाय बताता, क्या कहता है कि मुझे किसी साधु ने कृपा करके मुझे एक उपाय बताया था जिसके द्वारा तुम भी क्या हो सकते हो, सम्मान हो सकते हो, पुनः संपन्न हो सकते हो। अब यहाँ तक हम पीछे पढ़ सकते हैं, आज पढ़ेंगे रामदास औदत मित्र और फिर वह उस उपाय को, उस अनुष्ठान को रामदास किसे बताता है, धर्मदास। क्या कहता है, मित्र नित्यम सूर्योदयात्, सूर्योदय से पूर्व पहले उत्कृष्ट जागना है, क्योंकि रामदास भी क्या करता है, सूर्योदय से पहले उठता है। तो रामदास कहता है, हे मित्र, नित्य यानी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना है, स्व पशु नाम च, और अपने स्व मतलब अपने पशु नाम पशुओं की उपचर्याम सेवा स्वयं एव पूर्व, अपने ही करना है, नौकरों से नहीं करना है। प्रतिदिनम च, और प्रतिदिन क्षेत्रे सुखेत में कर्मकाराणाम, जो कार्य करने वाले हैं कार्याणि कार्यों का निरीक्षस्व निरीक्षण करूंगा। हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना, अपने पशुओं की स्वयं सेवा करना और प्रतिदिन खेत में काम करने वालों के कार्यों का निरीक्षण करना। जैसे पीछे पढ़ाया तो हमने क्या किया, आज तुम्हारी कॉपी देखी वो क्या है, निरीक्षण, और पढ़ाना क्या है, मेरा परिश्रम। उसी तरह से रामदास क्या कहता है, जो खेत में काम करने वाले है उनके कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन इस प्रकार से तो तुम्हारी अनुष्ठाने, अनुष्ठान से प्रक्रिया रखती है जहाँ पे से के द्वारा, इससे अनुष्ठान के द्वारा, तो अनुष्ठाने तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न प्रसन्न होकर के सह महात्मा वह महात्मा वर्षांते वर्ष के अंत में वर्ष अंते वर्षांते दिन संधि अवश्य निश्चय ही तुभ्यम तुम्हें सिद्धि मंत्र दास्यति, सिद्धि मंत्र देंगे। तब जब तुम प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठो
अपने पशुओं की स्वयं सेवा करो और प्रतिदिन खेत में कार्य करने वालों के कार्यों का निरीक्षण करो। इस प्रकार से तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के वह महात्मा वर्ष के अंत में निश्चय ही तुम्हें सिद्धि बल प्रदेंगे। अब आगे विपन्न धर्मदास, जो धर्मदास क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है? संपत्ति की इच्छा, संपत्ति की अभिलाषा करते हुए वर्षम एकम एक वर्ष यथोक्तम अनुष्ठानम यथार्थम उक्तम आया आगे बाद ऊ आए तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है। यह कौन सी संधि है? भूल संधि। यथोक्तम जैसा बताया गया, अनुष्ठानम अघोर अनुष्ठान किए। क्योंकि धर्मदास संपत्ति की इच्छा करते हुए एक वर्ष तक बताए गए अनुष्ठान को किए। नित्यं प्रतिदिन प्रातः जागरणेन, प्रातः जागरण से प्रातः काल उठ जाने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य कैसा हो गया? अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता, और उनके द्वारा नियम से पालन किए जाने से पशुवः स्वस्थ बलवान च जाता, जो पशु है स्वस्थ और बलवान हो गए। गावः महिष्वः च गाय और भैंसे प्रचुरम दुग्धम अयच्छन पर्याप्त दूध देने लगे, क्योंकि उनको समय पर खाना पानी मिलने लगा। खाने में क्या मिलता होगा? चावल दाल सलाद रोटी भूसा, क्योंकि पशुओं का खाना खाने होता है। तदानी तस्य कर्मकारा, तदानी उस समय तस्य उनके कर्मकारा जो कार्य करने वाले हैं, जो सेवक हैं, अभी भी कृषि कार्य अवन खेती के काम में लग गए। अब जैसे हम कहते हैं कि ये पाठ पढ़ ले, पढ़ लोगे हमें भी तुम्हारे साथ परिश्रम करना पड़ा। तो धर्मदास प्रातः काल जगता था तो और खेत पर जाता था देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो उस समय उसके जो सेवक है वही खेती के कार्य में लग गए। अतः इसलिए तस्मिन वर्षे, उस वर्ष तस्य क्षेत्रे, उसके खेत में प्रभुतम अन्नम उत्पन्न पर्याप्त अन्न उत्पन्न हुआ। जबकि इसके पहले क्या था? बीज के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था। तो उस समय कर्मकारों के द्वारा, सेवकों के द्वारा कार्य किए जाने से उनके खेत में भी पर्याप्त अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जाता, और घर क्या हो गया? धन धान्य से भर गया। एक अस्मिन दिने एक दिन प्रातः काल रामदास क्षेत्राणि गच्छन खेत में जाते हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्रम दूध से भरे हुए पात्र को हस्ते दधानम हाथ में लिए प्रसन्न मुख वाले प्रसन्न धर्मदास अवलोक्य धर्मदास को देख करके अवगत होते। जो रामदास एक दिन धर्मदास को क्या बताए थे? उपाय बताए थे, अनुष्ठान बताए थे, किस चीज के लिए? संपत्ति को देने वाला। और आज वही रामदास क्या देख रहे हैं कि दूध से भरा हुआ पात्र धर्मदास अपने हाथ में लिए गए, प्रसन्न मन से जा रहे हैं। उनको देख करके रामदास ने कहा, अभी कुशलते क्या, सब कुछ कुशल है। वर्धते किम तो अनुष्ठान, क्या आपका अनुष्ठान चल रहा है? किम महात्मानं मंत्रार्थम उपगच्छव, क्या महात्मा के पास मंत्रार्थम मंत्र को लेने के लिए उपगच्छव चलेंगे? ऐसा किसने पूछा? रामदास। किससे पूछा? धर्मदास। क्यों पूछा? क्योंकि देखा धर्मदास क्या है, प्रसन्न है, दूध भी उनके पास भरा हुआ है। धर्मदास प्रति ऑर्डर, धर्मदास ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वर्ष पर्यंत पूरे एक वर्ष श्रवण कृत्वा परिश्रम करके मया मैंने इदं सम्यक ज्ञातम, यह सम्यक मतलब अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी तरह से ज्ञातम जान लिया। यदि कर्म एवं स सिद्धि मंत्र, वह सफलता का मंत्र क्या है? वह सिद्धि मंत्र क्या है? कर्म ही, कर्म ही। जैसे तुम्हारा कर्म क्या है? मेरा कर्म क्या है? तो धर्मदास से पूरे एक साल तक परिश्रम करने के कारण क्या जान लिया? वह सफलता का मंत्र, वह सिद्धि मंत्र क्या है? कर्म। बस एव अनुष्ठाने, उसी के अनुष्ठान से, उसको भी करने से मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लाते हैं।
सभी अभिष्ट फल को सभी इच्छित फल को क्या करता है? प्राप्त करता है, क्योंकि सबके इच्छित फल क्या है? अलग अलग। कोई चाहता हम धनवान हो जाए, कोई कहता हम ज्ञानी हो जाए, कोई चाहता हम पाक जाए, कोई चाहता हम फर्स्ट आए, है ना। सबके इच्छित फल क्या है? अलग अलग। और वह सारे इच्छित फल कैसे प्राप्त हो गए? अलग अलग। अनुष्ठान से उसी अनुष्ठान के प्रभावेण प्रभाव से संप्रति के समय अहम मैं पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। पुनः फिर से सुख समृद्धि च सुख और समृद्धि को अनुभवामि, अनुभव कर रहा हूँ। फिर से क्यों? क्योंकि पहले तो पैतृक धन से सुख समृद्धि का अनुभव करता था, और परिश्रम न करने से क्या हुआ? धन समाप्त हो गया। अब जो है परिश्रम करने के कारण मैं पुनः उस सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। अपने स्थान को चले अगच्छत। गम धातु और कौन सा लकार है? कौन सा लकार? लट लकार किसके लिए होता है? अगच्छत चले गए। अब कोई ना कोई ना होगा ही। तीन काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों के लिए अलग अलग किसका लकार का प्रयोग करते हैं? वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूत काल के लिए लिट लकार। लोट लकार जहाँ आज्ञा दी जाए, भूत काल के लिए लग लकार। गम धातु है अगच्छत चले गए। सत्यम एव उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, जो उत्साह से भरा हुआ है दीर्घ सूत्रम, लंबे समय तक कार्य को करता है। यानी कि आज पढ़े और कल छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जिसके कार्यों में निरंतरता है, जो लंबे समय तक कार्य को करता है, जैसे आराध्या को क्या हुआ? खांसी आने लगी, उसने लिखना छोड़ दिया, तो क्या उसका काम पूरा हुआ? नहीं। तो जो उत्साह से संपन्न लंबे समय तक कार्य करता है, क्रिया विधि जम, क्रिया कार्य करने की विधि को जानने वाला है। कैसे क्या कार्य करना है, कार्य करने की विधि को जानने वाला है। व्यसनेस असक्तम, और बुरे कार्यों में बुराइयों में नहीं लगा है। शूरम कृतज्ञम, जो शूर है कृतज्ञ है, कि किए हुए कार्य के उपकार को मानने वाला है। उपकार को जो मानने वाला नहीं है, कृतज्ञ है, उसका कभी भी भला नहीं होगा। जो कृतज्ञ है किए हुए उपकार को मानने वाला है। दृढ़ दृढ़ है, सौहृदम और सुंदर हृदय वाला है, दयालु है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, उनके पास लक्ष्मी स्वयं ही निवास के लिए आती है। उत्साह से संपन्न है, लंबे समय तक कार्य को करने वाला है, कार्य की करने की विधि को जानने वाला है। बुरे कार्यों में नहीं लगा है, शूर है किए हुए उपकार को मानने वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है, सुंदर हृदय वाला है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं ही निवास के लिए आती है। तो सफलता का मंत्र सबकी समझ में आया? Yes, क्या है सफलता का मंत्र? कर्म। और सबके कर्म, सबके कर्तव्य क्या है? अलग अलग। तुम्हारा कर्म अलग है, हमारा कर्म अलग है। हम जब अपने कर्म को करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तुम अपना कर्म करोगे पढ़ोगे सफलता मिलेगी, जाने क्या मिलेगा? हम अपना कर्म करेंगे पढ़ाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आत्मसंतुष्टि। कहीं तुम भी मेरी शिकायत नहीं करोगे ना? मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो क्या? अगर नहीं पढ़ाते हैं तो क्या हम अपने कर्म का पालन कर रहे? नहीं। क्या मुझे सफलता मिलेगी? नहीं। एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में जो स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो छात्र के रूप में जो स्थान मिलना चाहिए मिलेगा? नहीं। एक साल फेल होगी, दूसरे साल फेल होगी, उसके बाद क्या होगा? विद्यालय देने वाला है। क्या करना दे रहा है? अपने कर्तव्य का हमें पालन करना।